बच्चों, पिछले क्लास में हमने किया था श्रीमान प्रतिस्थापन दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग करेंगे राशमान विस्थापन दर या डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब उपभोक्ता एक्स के एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करना चाहता है, तब उसको वाई के कुछ मात्रा का परित्याग करना पड़ता है ताकि वह समान तटस्थ वक्र पर रह सके। इसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। लेकिन सदैव ऐसा नहीं देखा गया है कि एक्स वस्तु के लिए वाई का जो त्याग होगा, परित्याग की गई मात्रा होगी, वो प्रत्येक एक्स वस्तु की इकाई के लिए समान होगी या बदलता रहता है। क्यों बदलता है? इसलिए बदलता है क्योंकि जो उपभोक्ता है उसके पास वाई वस्तु की मात्रा अधिक रहती है, तो जो व्यक्ति के पास जिस चीज की मात्रा अधिक रहती है, जो भी चीज़ उसके पास अधिक होता है, वह शुरू में उसका अधिक परित्याग करता है क्योंकि वो उसको लगता है कि मेरे पास बहुत है, इसको हम ज़्यादा खो सकते हैं वो चीज़ को पाने के लिए जो मेरे पास नहीं है या कम है। लेकिन जैसे जैसे वो त्याग करने लगता है तो उसे लगता है कि मेरे पास जो है वो भी घट रहा है, इसीलिए अब इसका परित्याग हमको कम करना चाहिए। तो शुरू में वो ज़्यादा त्याग करेगा, फिर अगली बार उससे कम, फिर अगली बार उससे कम, फिर अगली बार उससे कम। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये एक दिष्ट अधिमान या मोनोटोनिक प्रेफरेंस की तरह होता है कि मान लेते हैं कि एक उपभोक्ता के पास एक्स और दो वाई दो वस्तुएं हैं जिनके विभिन्न संयोग को वो उपभोग कर सकता है। तो एक्स और वाई के विभिन्न संयोगों को उपभोक्ता इस प्रकार से बनाएगा ताकि उसे हर एक संयोग से समान संतुष्टि प्राप्त हो। तो यह संयोग इस प्रकार से हो सकता है कि एक्स का अगर 13 इकाई है तो वाई का 10, एक्स का 14 इकाई है तो वाई का 6, एक्स का 15 इकाई है तो वाई का 3, एक्स का 16 इकाई है तो वाई का 1। इस तरीके से हम इस संयोग का नाम ए बी सी डी रख सकते हैं। अब एक उपभोक्ता इन चारों संयोगों में से प्रथम संयोग मतलब एक्स का 13 इकाई और वाई का 10 इकाई का प्राथमिकता देगा क्योंकि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की मात्रा अधिक है। जैसे 13 इकाई एक्स की है और वाई की 10 इकाई है, मतलब 23 इकाई है जो उसे प्राप्त हो रही है। इसे ही हम लोग मोनोटोनिक प्रेफरेंस या एकदिष्ट अधिमान कहते हैं। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें उपभोक्ता का बजट जानना होगा। और उपभोक्ता का बजट का अर्थ क्या होता है कि एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए कितना पैसा वो रखता है और जिसे वो एक उपभोक्ता चालू बाजारी मूल्य को ध्यान में रखते हुए अपने आय का जो हिस्सा उसे क्रय करने के लिए रखता है, वो होता है उपभोक्ता का बजट। एक उपभोक्ता जो है उसको सब चीज़ का ज्ञान होता है और उसे वस्तुओं की कीमत का ज्ञान होता है, बाजार की अवस्था का ज्ञान होता है। उपभोक्ता को अपने जो संयोगों के प्रति उसका जो रुझान है उसका उसको ज्ञान होता है। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने वो एक आय का एक हिस्सा को वो वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए रखता है, वही उस उपभोक्ता का बजट होता है। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता के लिए उपभोग बंडल दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर आश्रित होती है और उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को क्रय करने में सक्षम होता है जिनका मूल्य और आय उससे कम हो। मतलब उसकी आय से वो खरीद सके या उसकी आय जितनी है उसके बराबर में वो खरीद सके। मतलब वो देखेगा कि उसकी आय का वो हिस्सा जिसको कि वो खर्च करने के लिए रखा है उस हिस्से से वो पूरा खर्च करके भी उसको खरीद सके या उसके अंदर वो खरीद सके। अब हम लोग पढ़ेंगे बजट सेट। एक उपभोक्ता अपनी आय, बाजार के वस्तुओं की कीमत, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध बंडलों के सेट को जो होते हैं उसे बजट सेट कहते हैं। अर्थात एक उपभोक्ता के लिए उसकी आय तथा बाजार कीमत के आधार पर उपभोग के लिए जो उपभोग उपलब्ध बंडलों के सेट को उपलब्ध होते हैं उसे वो बजट सेट कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीद सकता हो। अब मान लेते हैं, इसको इस तरीके से हम समझा सकते हैं कि
वस्तु है एक्स और वाई, और एक्स की एक कीमत है पी वन और वाई की एक कीमत है पी टू, और उपभोक्ता की जो आय है वह है वन मान लेते हैं। तो उपभोक्ता चाहेगा कि वो पी वन इंटू एक्स प्लस पी टू इंटू वाई ऐसा खर्च करे, इतना एक्स और वाई खरीदे कि उसका जो वन है, एक रुपया जो उसकी उसका आमदनी का हिस्सा है जिसे वो खर्च करना चाहता है, या तो पूरा खर्च हो जाए या उसका कम में वो हो जाए, लेकिन एक से ज़्यादा खर्च ना हो। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी वन एक्स प्लस पी टू वाई लेस देन इक्वल टू वन। इसमें पी वन जो है वो एक्स का कीमत है, एक्स जो एक्स वस्तु है, पी टू जो है वो वाई का कीमत है, और वाई जो है वो वाई वस्तु है, और वन जो है वो उपभोक्ता की आय है। इसे हम अगले क्लास में समझेंगे।